स्वागत है दोस्तों आपका कंफ्यूजन 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आज इंटर लेवल का जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा था 2014 उसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे ऐसा खबर मिल रहा था, मैंने कंफर्म नहीं बताया था लेकिन अपुष्ट खबरों के द्वारा बता रहा था, क्योंकि जो इस कार्य में थे संलग्न थे उन्होंने कहा था कि शायद इस बार आयोग जमा 20 फरवरी को नहीं दे पाएगा। और आयोग के द्वारा बताया गया था कि 20 फरवरी तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो आयोग ने यहाँ 20 फरवरी से पहले ही यानी कि 14 फरवरी को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ जितना रिक्तियां थी उसे 5 गुना अनुमानित अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में निम्नवत है। और यहाँ पे पूरा रिजल्ट दे दिया गया है, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ और फिर कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दें। और अगर अभी आप बिहार एसएससी के वेबसाइट पे जाइएगा तो वो अभी डाउन हो चुका है, बहुत मुश्किल से वो खुल रहा है, तो अगर किन्हीं का खुल गया होगा तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे पूरा देख लेते हैं कि क्या डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे परिणाम में एकरूपता लाने हेतु इक्यू परसेंटाइल इक्वेटिंग की तकनीक एवं इक्वलाइजेशन ऑफ स्कोर्स किया गया है, तो ये दो टेक्निक किया गया है। और यहाँ पे रोल नंबर वाइज सबका दे दिया गया, तो यहाँ पे जिस जिस तारीख को एग्जाम हुआ था सबको एक रूप समान बना दिया गया है, जिनका भी शिफ्ट टफ था, इजी था, हार्ड था, सबको एक रूप कर दिया गया है, ताकि अब ये कोई नहीं बोल सकते कि मेरा वाला जो शिफ्ट था वो बहुत ज्यादा हार्ड था, किसी और का शिफ्ट बहुत आसान था, ऐसा इसमें अब नहीं रह पाएगा बोलने के लिए। तो यहाँ पे अगर सबसे लास्ट में देखें रिजल्ट के सबसे लास्ट में बहुत सारे पेज हैं, टोटल 137 पेज है, तो बहुत ज्यादा रिजल्ट दिया गया है इस बार दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों का एग्जाम होगा, क्योंकि 2014 का वैकेंसी था और इस बार करीब करीब 45% लोग अपीयर नहीं हुए थे जब ये एग्जाम हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए थे, तो इस वजह से इसमें रिजल्ट बहुत लोगों का हो चुका होगा। और आप लोग भी कॉमेंट करके बताएं कि किनका किनका इसमें रिजल्ट हो गया है। तो लास्ट वाला जब पेज आते हैं तो यहाँ पे है कि आयोग प्रकाशित परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार का टंकन त्रुटि के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु तिथि का निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। इसका मतलब ये जब पीटी का एग्जाम हो चुका था इसका रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है और मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो अब आवेदन मांगा जाएगा, यानी कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा। तो नजर बनाए रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर जैसे ही ये खबर आती है कि मुख्य परीक्षा का आवेदन कब से करना है तो उसका मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा जैसे ही मुझे खबर लगेगी। तो इस तरह से मैं इसका पीडीएफ आप लोग को कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे डाटा नहीं दिया गया है कि टोटल यहाँ पे देख लीजिए, हाँ टोटल यहाँ पे देख लीजिए 63,739 लोगों का रोल नंबर दिया गया है, ये बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का सिलेक्शन हुआ है पीटी के लिए। अब जिनका भी सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए लग जाए, आप लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पे कितना कट ऑफ, कुटीवार, कितना भर्ती है, ये सब कुछ फिलहाल अभी अपडेट नहीं दिया गया है। तो यही था आज का न्यूज। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बताया था उसमें कहा था कि संभवतः नहीं आ पाएगी रिजल्ट, लेकिन मैं गलत हुआ और आयोग ने 14 फरवरी को रिजल्ट जारी कर दिया। और ये कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो आंदोलन था उसे भी बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि छात्रों के आंदोलन ने भी बहुत दबाव डाला था कर्मचारी चयन आयोग पे, जिस वजह से वो दबाव में आए और रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित कर दिया गया। तो ये छात्र एकता की ही जीत हुई है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और अपना जल्दी से रोल नंबर देख ले कि आपका इस रोल नंबर में है, मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।